प्रधानमंत्री को राजकुमार राव दिखाना चाहते हैं 72 सालों का ये रहस्य। भेजानी रोहता एकता कपूर द्वारा निर्मित वेब सीरीज बोस डैड और एलाइव में राजकुमार राव सुभाष चंद्र बोस के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। राजकुमार ने ट्विटर के जरिए मोदी को निमंत्रण भेजा है। उन्होंने ट्वीट किया है, महान शख्सियत जिसने हर एक भारतीय को प्रेरित किया, एक रहस्य जिसके आगोश में हम 72 सालों तक रहे, एक इंसान जिसने हमें ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी। नरेंद्र मोदी जी, हम अपने बेब शो बोस डैड और एलाइव के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। जय हिंद सीरीज की टीम दिल्ली में प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिए गई हुई है। कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। एकता ने ट्वीट करके बताया कि हमारी दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले राजकुमार राव ने आदरणीय प्रधानमंत्री और दूसरी राजनीतिक शख्सियतों को पॉलिटिकल थ्रिलर देखने के लिए बुलाया है। तथ्यों पर आधारित होने के बावजूद इसे दिलचस्प तरीके से बनाया गया है ताकि एक उत्साहवर्धक लेकिन प्रासंगिक सीरीज बन सके। जय माता दी। इस सीरीज को पुलकित ने डायरेक्ट किया है, जबकि राजकुमार राव के साथ शाहिद, सिटी लाइट्स और अलीगढ़ जैसी फिल्में बना चुके हंसल मेहता इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। सीरीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई और बाद में उनकी मौत के रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है। राजकुमार पहली बार किसी ऐतिहासिक किरदार में नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में राजकुमार ने खुद को एक सक्षम और विश्वसनीय कलाकार में विकसित किया है। शाहिद और सिटी लाइट्स जैसी फिल्मों के जरिए राजकुमार जहां सिनेमा का संजीदा पक्ष पेश करते हैं, तो वहीं बरेली की बर्फी और बहन होगी तेरी जैसी फिल्मों के जरिए वो अपनी अदाकारी की हल्की फुल्की साइड दिखाते हैं। इस वेब सीरीज के लिए राजकुमार ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काफी काम किया है। राव ने नेताजी जैसा हेयर स्टाइल रखने के लिए आधा हेड शेव किया, वहीं अपने वजन को भी कुछ किलोग्राम बढ़ाया। बताते चलें कि पिछले साल 23 जनवरी को नेताजी की 119वीं जयंती पर उनकी गुमशुदगी से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया था।